सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणु ममिक्ष्णश यासामरिकतो गीतं उनाति भुवनत्रयम् प्रभु कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय कृतार्थोऽहं न संशय कृतार्थोऽहं न संशय श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिमि किम् तस्य शेषं बर्हापीडं नटवरवपुं कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंग्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति श्रीकृष्णाय नमः श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः श्रीगुसाईजी परमदयालवे नमः श्रीगुरुवे नमः। प्रभु श्री गोवर्धन धर के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत श्रीमदाचार्य चरण एवं श्री विठलेश प्रभु चरण के चरणारविंद में साष्टांग नमन। उपस्थित सभी वैष्णवों को सहृदय नमन एवं जय श्री कृष्ण। विष्णु, आज का जो विषय उत्सव से संबंधित है कि आज जन्माष्टमी के दिन रात्रि को इस समय ऑलरेडी जागरण के दर्शन का समय चल रहा है और ये जागरण के समय में जो पद अपने यहाँ गाए जाते हैं, दो प्रकार के पद गाए जाते हैं, एक तो महात्मय के और एक ज़्यादा करके उस लीला के कि जब प्रभु मथुरा से गोकुल की ओर गमन कर रहे हैं। तो आज हम पहले प्रभु के महात्मय स्वरूप की लीला को आधार करके आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पद्म धरो जन ताप निवारण पद्म धरो जन ताप निवारण पद्म धरो
ताप निवारण। चक्र सुदर्शन धर्यो कमल कर, भक्तन की रक्षा के कारण, भक्तन के रक्षा के कारण, पद्मधराजन ताप निवारण। शंख धरो रिपु उदर विदारण, गदाधरे दुष्टन संहारन, शंख धरो रिपु उदर विदारन, गदाधरे दुष्टन संहारन, चार भुजा चार करयायुध, नारायण भुवन भार उतारण, नारायण पद्मधराजन ताप निवारण। दीनानाथ दयाल जगत गुरु, आरती हरण भक्त चिंतामणि, दीनानाथ दयाल जगत आरती हरण भक्त चिंतामणि, परमानंद दास कोटापुर, परमानंद ठाकुर, यह अवसर अवसर छाड़ो जिन, पद्माधरो जन आप निवास। विष्णु, जैसा हम जानते हैं कि ठाकुर जी ने अवतार लेने के पूर्व वसुदेव जी देवकी जी को चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए और चारों श्री हस्त में चार आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दर्शन दिए और ये दिव्याति दिव्य अस्त्र वैष्णव। तो प्रभु ने इन चार चीजों को अपने श्री हस्त में धारण तो किया, शंख चक्र और गदा जो है इनको तो अस्त्र मानना या समझना अपने आप में 100% करेक्ट है कि इसमें कोई शंका नहीं है। शंख भी जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ के पूर्व शंख बजाया जाता है, चक्र तो प्रभु ने कई असुरों के संहार के लिए इस्तेमाल किए, गदा को भी प्रभु ने कई जगह अस्त्र का ही उपयोग है, परंतु पद्म, हाउ कैन अ लोटस बी अ वेपन विष्णु, पद्म कैसे अस्त्र हो सकता है? परंतु यहां तो विदित है कि चारों अस्त्र है और पद्म भी अस्त्र है। विष्णु, ये चारों अस्त्र जो है ये मन बुद्धि चित्त आत्मा का स्वरूप है, पद्म जो है मन का स्वरूप है, गदा जो है बुद्धि का स्वरूप है, चक्र चित्त का, और शंख आत्मा का स्वरूप है विष्णु। और इन चारों आयुध के स्वरूप में
मन बुद्धि चित्त आत्मा को प्रभु ने अपने श्रीहस्त में धारण करके श्री जी ने रखा है विष्णु। अब ये जो चार वस्तु है इसी के ऊपर एक मनुष्य का जीवन चलता है, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर और आत्मा के ऊपर। इनमें से कोई भी एक घट जाए, नहीं रहे, तो वो जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब विष्णु जो समझने की बात है कि आज एक इंसान अच्छा है, बेटा अंदर बोलो, आवाज आ रहा है, सज्जन है, कोई इंसान अच्छा है, परंतु उसके हाथ में अगर कोई AK-47 दे दे और उसको गुस्सा बहुत आता हो तो उस समय परिस्थिति क्या होगी? वो कभी भी चला सकता है, कहीं भी चला सकता है, और उसको चलाना भी नहीं आता है, तो हो सकता है वो उसको चलाने के चक्कर में खुद का भी कोई हानि कर बैठ सकता है। विष्णु कहने का तात्पर्य, ये चारों अस्त्र है मन बुद्धि चित्त आत्मा, ये चलाना हमारा काम नहीं है विष्णु, हम इनको नहीं चला सकते। इसलिए गद्य मंत्र के द्वारा आचार्य चरण ने सब कुछ, ये मन बुद्धि चित्त आत्मा, आत्मा तक का समर्पण करवाया कि सब कुछ अस्त्र है, ये हमारा काम नहीं है चलाना, ये केवल श्रीनाथ जी चला सकते हैं इनको। और जिनके मन बुद्धि चित्त आत्मा प्रभु के श्री हस्त में, प्रभु के चरणों में जो सौंप देता है, प्रभु कहते उनको ऑपरेट मैं करता हूं। विष्णु एक बहुत हाई एंड गाड़ी हम लेके आए और ठीक है हम ड्राइविंग जानते हैं पर उतना हाथ साफ नहीं है, और हम गाड़ी चलाने बैठे तो हो सकता है वो गाड़ी को हम उतना टैक्टफुली हैंडल नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उसको कोई पार्ट्स में हम यूज़ करने में कोई मिस्टेक भी क्रिएट कर दें या उस पार्ट्स को कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। परंतु कोई एक बहुत अच्छा उम्दा ड्राइवर हो और उसके हाथ में वो गाड़ी दी जाए तो वो गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी में कोई भी आवाज़ कुछ भी नहीं आने देगा बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल द कार। उसी तरह एक साधारण गाड़ी को चढ़ाने के लिए वैष्णव एक ड्राइवर का बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है। तो ये मन बुद्धि चित्त और आत्मा इतने बड़े बड़े अस्त्र, हमारे जैसे साधारण मनुष्य इनको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? ये आचार्य चरण जानते हैं कि ये कौन सी महाशक्तियाँ प्रभु ने हमको दी है मन बुद्धि चित्त के रूप में, इसीलिए उन्होंने समर्पण के द्वारा पुनः उनके चरणारविंद में दिलवाया, प्रभु आज से मैं इनको आपके चरणों में सौंप रहा हूं, आप आज से संभालो। तो कहने का तात्पर्य वैष्णव कि आज रात की लीला से इसका क्या संबंध है वैष्णव? क्योंकि जब तक ये मन बुद्धि चित्त और आत्मा का जो स्वरूप और उनको जिस व्यवस्था में जिस प्रकार से रहना है वो अगर उस प्रकार से नहीं रहेंगे तो साधारण हमारा मनुष्य का जीवन, परिवार, व्यापार ही हम ठीक से नहीं चला पाएंगे। भगवत प्राप्ति तो बहुत ऊंची चीज है विष्णु। आज के समय में एक बहुत ट्रेंडी वर्ड चल रहा है, डोंट टॉक नेगेटिव। नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है पर अंदर से समूल विचार से लेके भाव सब नेगेटिव रखने हैं। आचार्य चरण इस परंपरा से एकदम विपरीत है, वो पहले जड़ पे काम करते हैं कि अंतःकरण में जो भाव और विचार है उनके अंदर में नेगेटिविटी का कारण क्या है। नेगेटिव कब होता है इंसान? जब उसके अंदर में ईगो का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है विष्णु, तभी वो नेगेटिव होता है, वरना उसके नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। जिसके अंदर में ईगो, अहंकार जो है, डूअरशिप है, उसके अंदर में नेगेटिविटी आनी ही आनी है विष्णु। तो आचार्य चरण ने इस मन बुद्धि चित्त आत्मा के समर्पण के द्वारा जीव के अहंकार से उसको मुक्त किया, और जिसके अंदर से अहंकार निकल जाता है सारा जगत उसका मित्र बन जाता है, सारा जगत उसका मित्र बन जाता है विष्णु। एक अहंकारी व्यक्ति जो होता है उसके अपने भी उससे दूर रहना चाहते हैं, हो सकता है स्वार्थवश कोई उसके साथ रह सकता है पर जहां स्वार्थ पूरा होगा वो उससे रास्ता कर लेगा विष्णु।
तो ये शंख चक्र गदा पद्म जो है अपने यहाँ छठी उत्सव जो होता है, गतकाल हुआ ठाकुर जी का छठी उत्सव और आज छठी जी मांडे गए हैं और कल छठी की पूजा होगी विष्णु। वैसे तो कल रात्रि को भी उनको भोग लगे, दीपक हुए और वो दीपक में से जो अंजन निकलता है वो आशिनाथ जी को श्रृंगार में अंगीकार कराया जाता है, परंतु उस छठी में 12 दिव्य वस्तुएं मांडी जाती है, उनमें से ये शंख चक्र गदा पद्म भी एक ऐसे दिव्य स्वरूप है जिनको छठी जी में मांडा जाता है विष्णु। कभी हम श्रीनाथ जी की छठी कोठे में तो प्रवेश हमारा नहीं हो सकता है, पर नवनीत प्रिया जी की छठी का दर्शन हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब लालन के चौक से हम बाहर की तरफ निकलते वहीं छठी जी मांडे हुए हैं, वहां हम दर्शन कर सकते हैं छठी जी के विष्णु। अलग अलग घरों में ये आयुध को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है अपने अपने स्वरूप के हिसाब से, परंतु श्रीनाथ जी के घर में जो शंख है वो लेफ्ट हैंड में ऊपर में है और चक्र जो है राइट हैंड में ऊपर है, गदा जो है राइट हैंड में नीचे है और शंख जो है वो लेफ्ट हैंड में नीचे है विष्णु। इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म, इस प्रकार प्रभु चार अस्त्र धारण करते हैं। इससे पूरे जीवन को एक बहुत बड़ा बोध दिया है ठाकुर जी ने ये अस्त्र को इस प्रकार धारण करके विष्णु। अब सबसे पहली बात आ रही है कि पद्म को अस्त्र कैसे बोला, प्रश्न यहां आके खड़ा हो रहा है कि एक लोटस कैसे वेपन हो सकता है विष्णु। पद्म का मतलब होता है कमल और कमल खिलता है विष्णु कीचड़ में। अब जैसे हम कीचड़ बोलेंगे तो हमारे दिमाग में कॉमन माइंड में यह आती है कि गंदगी जहां होती है, कीचड़ गंदा कैसे होगा विष्णु? गंदगी मीन्स तो गार्बेज, डस्टबिन के अंदर से जो कूड़ा निकलता है क्या? तो फिर जहां गार्बेज जमा हो रहा है वहां कमल खिल जाना चाहिए। कमल कूड़े में नहीं खिलता है विष्णु, कमल उस जगह खिलता है जहां मट्टी एकदम गार बन जाती है विष्णु। वो मट्टी इतनी कोमल हो जाती है कि बस खाली बहना बाकी है उसका, इतनी जल पीकर इतने रसिक होकर स्थिर हो जाती है विष्णु, उसकी अस्थिरता खत्म होती है। जीवन में जब ये अस्थिरता खत्म हो, वो मट्टी जब सूखी रहती है वो जरा सा हवा का झोंका उसको उड़ा देता है। छोटी छोटी परिस्थितियां इंसान को, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं विष्णु, पर छोटी सी परिस्थिति हिला के निकाल देती है हमको। हर छोटी सी बात में हमारा रिएक्शन होता है, ऐसी परिस्थिति में जीवन की डेफिनेशन हम कैसे समझेंगे या जीवन के स्वरूप को हम कैसे पाएंगे विष्णु? तो वहां कीचड़ का स्वरूप है कि जहां एकदम स्थिरता आ गई है विष्णु, और जहां जल एकदम स्थिर होता है, कभी बहते पानी के अंदर में कमल नहीं खिलता है, कमल वहीं खिलता है जहां जल का जमावड़ा हो और गार बनी हो नीचे, अर्थात जीवन स्थिर हो जाए, अस्थिरता खत्म हो जाए, उसके जीवन में कमल रूपी पुष्प, हृदय रूपी कमल जो है वो खिलता है विष्णु। और कमल जब तक कली के रूप में है उसमें आंशिक कठोरता रहती है और वो जल से ऊपर रहता है, अर्थात जब साधना में कोई साधक प्रवेश करता है तो शुरुआत में उसको ये भय होता है कि ये संसार है ये भगवान है, ये लौकिक है ये अलौकिक है, ये माया है ये दिव्य है, ये दो के भेद रहते हैं। परंतु जैसे जैसे वो गुरु कृपा को प्राप्त करता है, अपनी पात्रता को वो मजबूत करता है, वो इस भेद से निकल जाता है और वो अभेद समझ जाता है कि ये सब कुछ प्रभु का ही स्वरूप है। माया भी प्रभु ही माया के स्वरूप में पधारे हैं, माया बोल के कोई अलग वस्तु नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो इसका प्रमाण है कि समुद्र मंथन के समय में प्रभु ने खुद ने मोहिनी रूप धारण किया, माया का रूप, पर किसको? असुर को छलने के लिए। अगर वैष्णव हम इस संसार की माया में प्रलोभित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर में असुरावेश है। विष्णु किसी ने कुछ बोल दिया और हमने उसको मान लिया, फिर 4 दिन बाद पता चला
कि नहीं नहीं अगले ने तो गलत बोला था, तब हम कहते वो तो उसकी बात में आ गए, तो भैया तेरा विवेक किधर गया था, उसकी बात में तो तू आ गया। पर ये होता है साधारण मनुष्य विष्णु, इतनी ही प्रज्ञा शक्ति होती है उसकी। परंतु एक साधक जो होता है, प्रैक्टिसनर जो होता है, वो उस पानी के ऊपर में धीरे से सेटल होता है। कब? पर जब कमल खिलता है तब। और कमल कब खिलता है विष्णु? जब सूर्य की किरण उसके अंदर प्रवेश करती है और वो गर्मी के कारण वो खिल जाता है। अर्थात जिसके हृदय में आचार्य चरण की कृपा से विरह का दान होता है और वो विरह रस को जो प्राप्त करता है और अपने हृदय के अंदर में उस विरह को स्थिर करता है। विरह का मतलब रोना धोना नहीं है विष्णु, विरह का मतलब है वि और रह, ये दो शब्दों से, संस्कृत के दो शब्दों से विरह शब्द बना है। वि इज फॉर विषय एंड रह इज फॉर एकांत। आचार्य चरण का एक नाम है रह प्रिय, एकांत प्रिय, कि विषयों से परे जाना ये विरह है विष्णु, कि मैं कितना विषयों के चिंतन से अपने आप को, क्योंकि एक अहम ही है जिसको विषय को भोग करना है, जिसमें से अहम निकल गया उसके लिए कोई विषय नहीं है, सब कुछ रसात्मक कृष्ण ही है विष्णु। तो कि जिसको विरह का दान मिलता है वही विषयों से परे जा सकता है और तब जाकर उसका मन रूपी कमल खिलता है विष्णु, और उस खिले कमल पे ही भंवरा बैठता है, कभी कली पे भंवरा नहीं बैठता है विष्णु। और जैसे ही वो कमल खिल जाता है वो जल के ऊपर सेटल कर जाता है विष्णु, बाद में वो जल से अलग नहीं रहता है, क्योंकि अब उसको ये समझ में आ गया ये जल माया नहीं है, अर्थात ये संसार, ये जीवन माया नहीं है, ये प्रभु की लीला है। परंतु अनुकूल लीला और विपरीत लीला, भक्त कहता है प्रभु आपकी विपरीत लीला का मैंने दर्शन किया, अब आपकी अनुकूल लीला का दर्शन करना है मुझे, पर वो कहता है ये भी आप ही की लीला है, अलग नहीं मानता है वो, ये कहता है आपकी ही लीला है, ये जो संसार में प्रपंच भी हो रहा है ये भी आपकी लीला है, परंतु प्रभु मुझे इस लीला से अब आप अलग रखो, मुझे तो रसिकों का संग दो। यहां उसकी प्रज्ञा शक्ति जाग गई विष्णु, और जो ये प्रज्ञा शक्ति जिसकी जाग जाती है यही पात्रता है। इसीलिए 84-252 विष्णु के वार्ता जी जब पूर्ण होते उसमें लिखा जाता है ये वैष्णव इतने कृपा पात्र थे, उनमें वो पात्रता थी कि वो उस रस को धारण कर सके वैष्णव। कहने का तात्पर्य कि जिन्होंने आचार्य चरण के, मिठलेश प्रभु चरण के ग्रंथों का पान किया है और उसके द्वारा अपने अंतकरण को शुद्ध किया है कि ग्रंथ में क्या आज्ञा हो रही है, उन आज्ञा को केवल जानना, पाठ के रूप में रटना नहीं। विष्णु अगर ऐसी बात होती तो आचार्य चरण चतुर्श्लोकी में ये बात क्यों बोलते, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्यक्वापि कदाचन। ये एक ही धर्म है कि हर भाव से कृष्ण को भजो, जो देख रहे हो कृष्ण को देखो। तो बोलेंगे कि भैया तो चोर सामने कोई खड़ा है तो उसको कृष्ण देख कर क्या पूजा करने लग जाए, मूर्खता वाली बात नहीं विष्णु। वो जो गलत काम कर रहा है उसके साथ में जो जो भी न्याय होना चाहिए, जिस भी उसकी कंप्लेन होनी चाहिए वो करनी है, पर उसके प्रति कोई अभाव नहीं आना चाहिए कि इसने ऐसा किया, भाई उसने जो किया उसके सामने मेरा ये कर्तव्य था मैंने किया, अब उसके प्रति कोई अभाव मेरे मन में, उस इंसिडेंट के बाद में मेरे मन में उसके प्रति कोई अभाव नहीं रहना चाहिए, ये होता है शुद्ध हृदय का प्रतीक। अशुद्ध हृदय के अंदर में ईर्ष्या जाग जाती है वैष्णव, वो घटना पूरी हो जाती है पर वो घटना के पीछे ईर्ष्या में अपने आप को झोंक देता है। परंतु जिस पे आचार्य चरण की कृपा हो जाती है उसके हृदय रूपी कमल में से ईर्ष्या से निवृत्त हो जाता है और तब उसमें से रस जागृत होता है वैष्णव। जब तक ईर्ष्या है वो रस के ऊपर में आवरण बन के खड़ी रहती है और प्रभु रस के भोगी है वैष्णव, अर्थात ये रसिकों का हृदय है कमल नहीं है, ये रसिकों के हृदय को श्रीनाथ जी ने अपने हाथ में धारण किया है विष्णु, ये कमल रूपी रसिक का हृदय है, रस भरा हृदय जो होता है वो श्रीनाथ जी अपने हाथ में धारण करते हैं विष्णु। विष्णु एक इंसान संसार में भी मीठा बोलता है परंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए
एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में समझ में आ जाता है, क्योंकि वो सच उसके मुंह से निकलेगा, वो अपने आप समझ आ जाएगा कि अंतर का मीठा है कि ऊपर का मीठा है। हालांकि जो लोग साधना के आगे स्तर में हैं वो तो एनर्जी से भी, ऑरा से भी पकड़ सकते हैं, पर इतनी आगे की लेवल की बात न हो तो भी साधारण लेवल में भी जाएं तो भी वैष्णव एक दो चार अनुभव के बाद इंसान समझ में आ जाता है। पर एक रसिक जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो जितना डांटते हैं उसका 10% भी साधारण इंसान नहीं डांटता है। पर उनकी डांट खाने के लिए भी हम दौड़ दौड़ के नंगे पैर जाते हैं विष्णु, क्योंकि हमको पता है ये डांट नहीं है, ये प्यार है। संसार का झूठा प्यार में भी कपट छिपा होता है और संतों की डांट में भी प्यार छिपा होता है विष्णु, रसिकों की डांट में भी प्यार छिपा होता है। ये अंतर है विष्णु, ये हृदय की शुद्धता। यहां जाकर जो बात है ना कि नेगेटिव बात करो मत, पर नेगेटिव रहो। यहां आचार्य चरण कह रहे तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर दूं, बाद में नेगेटिव बात करनी न करनी ये एक साइड में चली गई पूरी वैष्णव, कॉर्नराइज हो गई। ये रसिक का स्वरूप है, ये पद्म का स्वरूप है कि जहां जिस हृदय के अंदर से कपट जो है, अहम जो है, ईर्ष्या जो है, इससे निवृत्त हो गया। ये कमल, कमल अर्थात जिसमें मल नहीं है वैष्णव, मल रहित जो है वो कमल है वैष्णव। ऐसा मल रहित हृदय को प्रभु अपने हाथ में धारण करते हैं, ये पद्म का स्वरूप है। अब जैसे ऐसा अमल जो हृदय होगा उसके अंदर से जो भी उद्गार निकलेंगे, जो भी शब्द निकलेंगे, साधारण मनुष्य को हित नहीं चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उससे उसके अहंकार की पुष्टिकरण होता है। साधारण मनुष्य कभी भी हित की नहीं सोच सकता है, वो अहम की सोचता है कि मेरा ईगो सैटिस्फाइड हुआ कि नहीं। पर एक साधक जो होता है वो अहम को नहीं देखता है, वो हित को देखता है कि मेरे अहम को बिल्कुल भी पुष्ट नहीं होने देना है, मेरा हित क्या है, मेरा हित किस में है, मेरा हृदय किस में शुद्ध होगा, मेरा हृदय किस में शांत रहेगा, मेरा हृदय में किससे अभाव से मुझे मुक्ति मिलेगी, वो उस मार्ग पे चलने की कोशिश करता है विष्णु। इसके बाद जो है नीचे के श्री हस्त में गदा है विष्णु। गदा जो होती है वो बुद्धि का स्वरूप है और गदा अंदर से पोली होती है, कभी भी गदा अंदर से ठोस नहीं होती है। अर्थात बुद्धि को हमेशा शून्य में रहना चाहिए विष्णु। शून्य में मतलब काम हो गया, जो भी कार्य करना था कर लिया, उसके बाद में उसका कोई मंथन चिंतन नहीं। द मैटर इज ओवर, इट्स ओवर, उसके बाद शटर डाउन। विष्णु साधारण मनुष्य काम होने के बाद उसका इतना चिंतन करता और वहीं से प्रपंच शुरू होता है, इसने अच्छा किया, उसने नहीं किया, इसने सही किया, उसने गलत किया, अरे भाई काम हो गया, अब क्या है, हो गया, मैटर इज ओवर, लीव इट। साधारण मनुष्य छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि जितना वो चर्चा करेगा उतना उसके अहंकार को पुष्टिकरण मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि माई एनालिसिस इज राइट। और ये जितना मेरे हम अपने एनालिसिस को राइट प्रूफ करना चाहेंगे उतना हमारे अंदर में से जो खालीपन है वो भरता जाएगा विष्णु, और ये गदा का स्वरूप बदल जाएगा विष्णु, ये बुद्धि जड़ हो जाएगी। जिस बुद्धि में इतना पावर है विष्णु, आज ये मनुष्य की बुद्धि है जिसने एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर नाम का जो एक डिवाइस को इन्वेस्ट किया कि जिसके अंदर में इंसान को 200-300 इंसान को इतने लगेज को हवा में उड़ाया जा सके, वो ह्यूमन माइंड में कितना पावर होगा विष्णु, हाउ पावरफुल दैट माइंड इज। पर उस पावर को हम सिर्फ इन छोटी छोटी बातों में इन्वेस्ट करके सारी एनर्जी और सारा पावर हमारा ड्रेन आउट हो रहा है विष्णु। वहां आचार्य चरण कह रहे हैं बुद्धि को हमेशा शून्य में रहना चाहिए, इसीलिए आचार्य चरण ने वदत भिरेव सततम आज्ञा की कि निरंतर कृष्ण का स्मरण करो, अष्टाक्षर का स्मरण करो। बुद्धि के अंदर में कार्य होने के बाद में, जब कोई कार्य करना है, कार्य के पहले, करने के पहले कोई प्लानिंग करनी है, करें वैष्णव। प्लानिंग में और कंफ्यूजन में बहुत अंतर है। साधारण मनुष्य प्लानिंग कम करता है, कंफ्यूजन ज्यादा करता है, उसी बात को इस तरीके से उस तरीके से करेंगे नहीं करेंगे ऐसे करेंगे, एक ही बात को रिपीट करते रहना, मतलब कहीं ना कहीं वो दिमाग कंफ्यूज्ड है, वो क्लियर नहीं है। क्लियर माइंड एक बात एक बार करेगा, यस तो यस, नो तो नो। विष्णु क्लियर माइंड बहुत फर्म होता है, जड़ नहीं होता है, वो बहुत दृढ़ होता है, उसका संकल्प शक्ति बड़ी दृढ़ होती है, वो बुद्धि एकदम दृढ़ संकल्प वाली होती है जो अंदर से
क्लियर होती है जो वैक्यूम में रहती है, जो शून्य में रहती है विष्णु। पर जो बुद्धि निरंतर संसार की छोटी छोटी घटनाओं को चरवण करती रहती है, तो उससे हम हायर एनर्जी या हायर विजन का कैसे एक्सपेक्टेशन करेंगे विष्णु? इट्स इम्पॉसिबल। वहां हमको गदा के द्वारा ठाकुर जी ने यह बताया कि जो गदा का जो पकड़ होती है, एंड होती है, वो ठाकुर जी के हाथ में होती है, और गदा का जो मुख होता है गोलाकार, वो चरणारविंद की ओर। अर्थात ये बुद्धि तभी समर्पित हो सकती है जब ये गदा रूपी बुद्धि जो है वो श्रीनाथ जी के श्री हस्त में जाएगी। जब श्रीनाथ जी के हाथ में ये बुद्धि को समर्पित किया जाएगा, तभी इसको समर्पण मंत्र समझ में आने वाला है। तब तक इसको समर्पण नहीं समझ आता है जब तक ये श्रीनाथ जी की पकड़ में नहीं जाती है। और श्रीनाथ जी की पकड़ में जाने के लिए हमको संतों का, रसिकों का, आचार्यों का, गुरुओं का संग करना पड़ेगा विष्णु। जब तक हम अपने आचार्यों का संग नहीं करेंगे, गुरु का संग नहीं करेंगे, आचार्य चरण के ग्रंथों का संग नहीं करेंगे, हम अंदर से शून्य नहीं हो सकते। समर्पण का मार्ग हमको समझ नहीं आ सकता है विष्णु। सखड़ी अनसखड़ी दूधघर समर्पित करना ये बहुत बहुत उच्चतम सेवा है, परंतु केवल ये समर्पित करके प्रसाद लेने से केवल मातृबुद्धि इसी से सुधर जाती तो आचार्य चरण को अंतकरण प्रबोध, बालबोध इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो बोला सेवा करो, प्रसाद ही लो। असमर्पित वस्तु नाम तस्मा दर्जन माचरित। पर असमर्पित वस्तु का मतलब केवल भोजन नहीं है, सबसे पहला विचार है कि मेरे हर विचार को मैं समर्पित करके अंदर में प्रवेश दूं, उसी का चिंतन करूं जो समर्पण के मार्ग से गुजर चुका है। अर्थात जो विचार समर्पण के मार्ग से निकला है उसमें अहंकार नहीं हो सकता है विष्णु। इस गदा का दर्शन श्रीनाथ जी ने करवाया है आज की रात्रि को, कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए एक वैष्णव की, तो जिसकी पकड़ श्रीनाथ जी के हाथ में है और जिसकी धारा निरंतर समर्पण के मार्ग में जा रही है। श्रीनाथ जी ने आज की रात को ये हमको दर्शन कराए, ऐसी बुद्धि जो होती है वो प्रभु की सेवा में जा सकती है। अब आ रहा है विष्णु चित्त की बात। तो प्रभु ने चित्त को, चित्त रूपी सुदर्शन चक्र को अपने राइट हैंड की ये वाली फिंगर पे रखा है विष्णु। उसको कौन सी फिंगर बोलते हैं? फोर्थ फिंगर में ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र धारण किया। और ये उंगली हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? दुनिया की ओर उठाने के लिए विष्णु। जब तक ये दुनिया की ओर उठने के लिए उंगली इस्तेमाल होगी, तब तक शब्द क्या है? सुदर्शन। सुंदर दर्शन कभी नहीं हो सकता है। इस जगत में हमको सब बुरे, सब खराब, सब कपटी, सब स्वार्थी दिखेंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि में ही सुदर्शन नहीं है, मेरी दृष्टि में ही दोष भरा है, तो मुझे कभी भी सुदर्शन नहीं हो सकता है विष्णु। उसके लिए मुझे प्रभु की इस उंगली में जाना पड़ेगा। और प्रभु की उंगली क्या संकेत कर रही है? ऊपर शून्य की ओर, कि इस तरफ नहीं जाकर, जगत में नहीं जाकर, शून्य में, विराट में जाने का कोशिश कर दू। जिस चित्त को केवल संसार की लिमिटेड एरिया, लिमिटेड बातें, लिमिटेड लोग, लिमिटेड टॉपिक, उसी में वो अपने आप को इन्वेस्ट करके रखेगा, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है विष्णु। एक व्यापार के अंदर भी इंसान को अगर ग्रो करना है तो उसको अपने आप को बहुत उदार और विराट रखना पड़ता है। अगर उसके अंदर में उदारता और विराटता नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकता है विष्णु। तो ये तो आध्यात्म में जाकर परमात्मा के स्वरूप का आनंद लेने की बात है। अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों से विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, हम कभी भी उस विराट को, उस शून्य को, उस विशालता जो प्रभु का विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है, रस का समुद्र है हमारे श्रीनाथ जी। विष्णु अभी तो एक बूंद हमको मिली नहीं है और छोटे से पोखरे में डूब जा रहे हैं, तो रस के समुद्र में हम कैसे आनंद ले पाएंगे विष्णु? नहीं ले सकते। इसके लिए एक साधक को जीवन में अपनी दृष्टि से दोष को हटाना पड़ेगा विष्णु, क्योंकि दृष्टि वही देखती है जो अंदर में बैठा स्वभाव दिखाता है विष्णु। मेरे स्वभाव में अगर दूसरों के प्रति हीन भाव, दूसरों के प्रति नीचे भाव है, तो मेरी दृष्टि में हमेशा मुझे दूसरों के दोष ही दिखने वाले हैं।
परंतु जिसने अपने अंतकरण पे काम किया है विष्णु, अंतकरण को शुद्ध किया है बैठकर कि नहीं, अगर जगत के अंदर में सर्वत्र मेरा कृष्ण विराजमान है तो कहीं ना कहीं मेरी सोच में कोई प्रॉब्लम है। तो विष्णु हम बोलेंगे तो क्या फिर सबके साथ कैसे समान चले? नहीं, विष्णु एक गुलाब और कांटा दोनों एक साथ उगते हैं, हम गुलाब के करीब बहुत निसंकोच चले जाते हैं और कांटे से अपने आप को बचाते हैं। देखिए, कांटे से बचाना ये मेरा अधिकार भी है और मेरा धर्म भी है, परंतु कांटे को क्रिटिसाइज करना न मेरा अधिकार है न मेरा धर्म है। विष्णु, मेरे को जहां लगे कि यहां मेरा मन मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, आई कैन मेंटेन सेफ डिस्टेंस, पर मैं उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति एक भी अंदर में नेगेटिव सोच नहीं ला सकता हूं। यह आचार्य चरण ने अध्यात्म में दिखाया है कि तुम अंदर में सोच लाओगे नेगेटिव तो शब्द तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ये रोका नहीं जा सकता है। यहां आचार्य चरण की जो ये फिलॉसफी है, इट्स एक्सक्लूसिव वन। वहां अंतकरण पे उन्होंने काम करने का बोला कि तुम्हारे अंतकरण को इतना शुद्ध करो, अगर मेरे घर में एक डब्बा है विष्णु, उस डब्बे के अंदर में चीनी भरी है और मैं बहुत खुश हूं और मैंने वो चीनी का डब्बा खोला और उसमें से क्या निकलेगा? शक्कर ही निकलेगी, मैंने शक्कर खाली रख दिया। अब एक दिन मैं बहुत गुस्से में आया, बहुत मेरे को चिढ़ चढ़ी हुई थी, बहुत इरिटेटेड और गुस्से में था और उस डब्बे को उठा के मैंने फेंक दिया, तो उसमें से भी तो चीनी निकलेगी क्योंकि उसमें थी ही चीनी। विष्णु, उसी तरह एक साधक के हृदय में हमेशा क्लैरिटी होती है कि मैं किस पर्पस से कहां और क्यों जा रहा हूं, तो मेरे को कितना डिस्टेंस रहना है, क्योंकि डिस्टेंस लेस तो मुझे केवल श्रीनाथ जी के पास जाना है, बाकी सब जगह मुझे डिस्टेंस में ही रहना है। ऐसा नहीं कि इसके करीब गया उससे दूर गया, ये मोह है विष्णु। अगर मैं एक के बहुत करीब जा रहा हूं और एक से दूर जा रहा हूं, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। इक्वल डिस्टेंस विथ ईच एंड एवरी वन विष्णु, सबके साथ समान डिस्टेंस। जब तक ये समान डिस्टेंस का स्वभाव हमारा नहीं बनेगा, इसके लिए वी नीड अ सीवियर प्रैक्टिस, क्योंकि अंदर में जहां से हमारे ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमको लगता है ये मेरा अपना है, जहां मेरी डिजायर्स की पूर्ति होती है, जहां मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मेरे को लगता है ये मेरा अपना है, जहां मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, मुझे वो दुश्मन लगता है। तो विष्णु, ये हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या अंदर में द्वेष और ईर्ष्या नाम की नेगेटिविटी को पाल रहे हैं? You're not maintaining the distance, Vishnu. Distance उसको बोला जाता है कि वो दूर गया, उसके बाद भी मेरे को वो पास है तो भी कोई विचार नहीं है, दूर गया तो भी कोई विचार नहीं है, मैं निर्विचार होकर जी सकूं। अगर मैं दूर हूं पर अगले का विचार ही कर रहा हूं तो मैं डिस्टेंस में कहां हूं, मैं तो और करीब हूं उसके विष्णु, क्योंकि नेगेटिविटी की गांठ बड़ी मजबूत होती है, पॉजिटिविटी उतनी मजबूत नहीं होती है। हम नेगेटिविटी की गांठ को बड़ी स्ट्रांगली बांधते हैं विष्णु। तो जहां इस तरह की अंदर अंतकरण हो, उसमें से डिवाइन एनर्जी कैसे जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती है विष्णु। यहां प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा हमको यह दिखाया कि इस उंगली को यहां नहीं, इस उंगली को यहां उठना है, और जब यह उंगली यहां उठती है तो विष्णु जो सुदर्शन नाम की दृष्टि है वो शून्य में चली जाती है, और शून्य में क्या है? चंद्र है, सूर्य है, नक्षत्र है, तारे हैं, अर्थात वो भगवान की इस शक्ति, भगवान की इस लीला, भगवान के इस सामर्थ्य के अंदर में अपने आप को इन्वेस्ट करने लग जाता है। प्रभु, कितना विशाल है तेरा स्वरूप कि एक इतनी बड़ी धरती जिसके अंदर में करोड़ों करोड़ों तो मनुष्य और अरबों खरबों जीव, वो एक छोटी सी बिंदु की तरह इस शून्य में घूम रही है, एक बिंदु भी नहीं है ये धरती इस शून्य के अंदर में। प्रभु, ये तेरा इतना विशाल स्वरूप। अब विष्णु, जब कोई इतनी विशाल बातों को सोचने में अपने आप को इन्वेस्ट कर देगा, क्या बोला क्या नहीं बोला उसके लिए हार्डली मैटर्स। अब उसका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कितना स्ट्रांग हो गया विष्णु, कहां तो वो एनर्जी इतनी सी डेड एंड में जाकर, जिसका कोई रिटर्न नहीं है, जिससे कोई कंस्ट्रक्टिव रिटर्न नहीं आने वाला, उसमें जा रही थी, और अब वो इतना अपने आप को फैला दिया। विष्णु, मैं अपने आप को फैलाऊं कैसे? इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना मैं अपने आप को फैलाने में, विष्णु अपने आप को फैलाना बड़ा छोटी सी प्रभाव है विष्णु, सब जानते हैं कि दो बच्चे थे, वो दोनों बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन करके दी गई
कि इसको तुमको छोटा साबित करना है। तो एक बच्चे ने उसको मिटाया, उसको काटा, उसको स्क्रबल किया, और दूसरे ने उसके बगल में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। विष्णु, मैं अपने आप को आगे ले जाऊं ये मेरा अधिकार है, पर दूसरे को छोटा करूं ये अध्यात्म नहीं है विष्णु, ये सुदर्शन चक्र नहीं है। सुदर्शन चक्र का मतलब है मेरा अधिकार है, मैं आगे जा सकता हूं, पर दूसरे को गिरा कर, दूसरे को छोटा करके, दूसरे को काट के नहीं विष्णु, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे अंतर्गत आध्यात्म के अंतर्गत ये बात नहीं है विष्णु। तो सुदर्शन चक्र के माध्यम से प्रभु ने चित्त की स्थिति को बताया कि एक साधक, एक भक्त, एक वैष्णव का चित्त कैसा होता है कि वो निरंतर स्वचिंतन में लगा रहता है, उस विशाल भगवान का जो विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर में वो अपने आप को इन्वेस्ट करता है कि प्रभु ये तेरी कितनी लीला, ये नित्य लीला, नित्य नवतम श्रुति न पामे पार, जो गोपाल दास जी आख्यान में कह रहे हैं, वो उस स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे विष्णु। ये नित्य इतनी प्रभु की लीला है, इतनी विशालता प्रभु में, उसको छोड़कर ये रेगुलर वाली इतने सालों से वही टॉपिक, फिर से वही टॉपिक, हम जिससे भी जुड़ते हैं वही टॉपिक में जाकर हम एंड करते हैं विष्णु। लेकिन यहां आचार्य चरण हमको इससे विपरीत लीला की बात कर रहे हैं कि एक साधक का और एक वैष्णव का चित्त जो होता है वो अलग स्थिति का होता है, वो क्षुद्र बातों में नहीं रोता है, वो बहुत विशाल और विराट बातों में अपने आप को लेके जाता है। इसके बाद आता है विष्णु शंख। शंख की उत्पत्ति जल के अंदर में है विष्णु। वो जल के अंदर का छोटा सा जीव, वो अपनी इतनी मेहनत के द्वारा उस जल के अंदर में निरंतर, उस विचलित परिस्थिति, जल निरंतर हिल रहा है समुद्र में, वो उसमें ये अपना घर बनाता है छोटा सा, शंख नाम का। और जब वो बन जाता है वो छोड़ देता है, फिर दूसरा बनाता है विष्णु। इसीलिए प्रभु को शंख, सनातन पूरी संस्कृति, पुष्टि मार्ग से लेके हर संप्रदाय, सनातन पूरे धर्म के अंदर में शंख जैसा पवित्र वस्तु नहीं है, उससे प्रभु का अभिषेक कराया जाता है, शंखनाद किया जाता है विष्णु। क्योंकि ये शंख जो है जिसने बनाया है वो निर्मोही है, उस विषम परिस्थिति में रहकर भी उसने घर बनाया और बन गया तो छोड़ दिया विष्णु। ये बनाना और छोड़ना ये वैष्णव का लक्षण है। और थोड़ा सा बनाऊं और ज्यादा पकड़ने की कोशिश करूं वैष्णव, ये माया और संसार के लक्षण है। और मैं जितना पकड़ने की कोशिश करूंगा वैष्णव, इस मुट्ठी को मैं जितना बांधने की कोशिश करूंगा ये मुट्ठी छोटी होती जाती है, आप देखिए। और मैं जिसको जितना फैलाने की कोशिश करूंगा ये बड़ी हो जाएगी। मैं जितना बांधना चाहूंगा ना उतना मैं छोटा हो जाऊंगा विष्णु। ये प्रकृति मेरे हाथ में ज्यादा चीज नहीं आने देगी। अगर मैं किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, कोई भी चीज को मैं जब बांधने की कोशिश करता हूं, प्रकृति मुझे समझ जाती है कि अब इससे ज्यादा ये ले नहीं पाएगा, ये आ गया बंधन में, ये इससे जुड़ चुका, अब इसका लक्ष्य इतनी ही वस्तु है, अब ये इससे आगे की नहीं सोच पा रहा है विष्णु। वहां परमात्मा ने शंख के द्वारा बहुत बड़ा संकेत एक साधक के जीवन को दिया है कि साधक का जीवन सर्जन करना है, भोग करना नहीं। सर्जन करता है, छोड़ता है विष्णु। जितना क्रिएशन हो रहा है उसके हाथ से, आज कोई विष्णु, कोई इंसान इतना एक्सट्रीमली अपने आप को इन्वेस्ट करके रखता क्रिएशन में, उसके पास एक्सपीरियंस लेवल कितना होगा? अरे कोई एक चीज ले लेगा, दो ले लेगा, उसको आती है बनाने, बना लेगा। पर वैष्णव, मैंने किसी से चुरा के लिए, उधार लिए, किसी को कपट करके छीनी है तो मेरे को डर लगेगा क्योंकि मुझे बनाना आता नहीं है कोई चीज। वैष्णव जीवन में शंख नाद बोला, इसलिए बोला कि जहां शंख धर्यो रिपु उदर विदारण। शंख को प्रभु ने क्यों धारण किया है? तो कि उदर के अंदर में रिपु जो है, रिपु का मतलब दुश्मन। कौन सा दुश्मन? ये हमारा अज्ञान हमारा दुश्मन है वैष्णव। जिसके पास ज्ञान होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास नॉलेज है वो कुछ भी कर लेगा, पर इग्नोरेंस व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बोला परमानंदा जी कह रहे शंख धर्यो रिपु उदर विदारण, कि हमारे गर्भ के अंदर में, हमारे पेट के अंदर में जो अज्ञान भरा है, जिसके अंदर में शंख ध्वनि पहुंच जाती है, उसका अज्ञान का नाश हो जाता है विष्णु,
और अज्ञान का नाश होते ही भगवान का ज्ञान स्वरूप उसके अंदर से जागृत होता है और वो वाणी, वो नाद ब्रह्म प्रकट होता है। ये चार अस्त्र को श्रीनाथ जी बाबा ने आज की रात्रि को धारण करके दिखाए कि मन का स्वरूप कैसा, बुद्धि का कैसा, चित्त का कैसा और आत्मा का कैसा। ये चार स्थिति बताई है जीव के मन बुद्धि चित्त आत्मा की। ठाकुर जी ने प्राकट्य लेते ही कि ऐसा जो होता है जिसका मन बुद्धि चित्त आत्मा, वो मेरी, मैं उसको संभाल के रखता हूं, वो मेरी पकड़ में रहता है। परंतु जिसमें ये गुण नहीं है वो संसार रूपी समुद्र में जहां जाए वहां जा सकता है मेरे ही रस के अंदर में, मेरे ही स्वरूप में, परंतु वो मेरे में रहकर भी मेरा आनंद नहीं ले सकता है विष्णु। क्योंकि मेरे में रहकर मेरा आनंद लेना है तो मुझे समझना पड़ेगा। आज विष्णु हम कोई मूवी देखने के लिए गए और वो मूवी समझ में ही नहीं आ रही, हमको आर्ट मूवी है, उसको ऑस्कर मिल गया, और भी अवार्ड मिल गए, हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है, हम कैसे आनंद लेंगे विष्णु। जब तक मैंने प्रभु के स्वरूप को, प्रभु की लीला को, प्रभु के सामर्थ्य को समझा नहीं है, ये बुद्धि से समझने की बात नहीं है, अनुभव से समझने की बात है। जब तक मैंने अनुभव से इनको समझा नहीं है, मुझे प्रभु की लीला में आनंद नहीं आ सकता है। प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के जो लीला करने का तरीका है, मुझे उसमें आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए कॉमन जो पर्सन होते हैं वो ऑलवेज लाइफ में स्ट्रेस में, ग्रीफ में, पेन में जीते हैं विष्णु। और संत को, साधक को, एक प्रैक्टिशनर को उसी सिचुएशन में रखा जाए, वो उसी में इतना आनंद करके निकल जाता है। और साधारण व्यक्ति को वही स्थिति दी जाए, वो उसी में बड़ा पीड़ा और दुख के साथ समय पूरा करता है। यही डिफरेंस है विष्णु, यही डिफरेंस है। क्योंकि साधक को पता होता है जो भी है एवरीथिंग इज टेम्पोररी, नथिंग इज परमानेंट। विष्णु आज मेरा शरीर हम कहते हैं एक दिन नाश होने वाला, एक दिन एवरीडे ये डीके हो रहा है। आज से 5 साल पहले का हमारा पिक्चर निकाल के देखें आज में, और 5 साल 10 साल पुराने पिक्चर में हेलेन एवन का डिफरेंस आ गया। हम रोज मिरर में देख रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा हमारे बॉडी में चेंज आ रहा है, हमारे शरीर में जिसको मैं अपना सब कुछ मान रहा हूं उसी में चेंज आ रहा, वही मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। मैं क्या दुनिया में पकड़ लूंगा विष्णु, कौन से अज्ञान और मूर्खता भरी बात कर रहा हूं। अपने शरीर के चेंज को मैं नहीं रोक पा रहा हूं, मैं इतना ही केपेबल नहीं हूं, और मैं लगा पूरे संसार को पकड़ने में कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। विष्णु ये बहुत बड़ा भ्रम है जो इस भाव को हम जी रहे हैं, इसीलिए इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, इतना फ्रस्ट्रेशन है। पर जो कहता मेरे पकड़ में कुछ नहीं है, मैं तो खुद श्रीनाथ जी की पकड़ में हूं, जो कहता है मेरी पकड़ में कुछ नहीं है पर मैं श्रीनाथ जी की पकड़ में हूं, विष्णु वही आनंद कर सकता है। ही कैन बी द ओनली हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो अपने आप को आचार्य चरण के मार्ग में, जो गद्य मंत्र की शिक्षा मिली है, दीक्षा मिली है, उसको जीवन में ग्रहण करके जीता है, उसके जीवन में ही नंद महोत्सव हो सकता है। बाकी तो नंद महोत्सव हो रहा है इतने सालों से, कल भी हो जाएगा, परंतु जो नंद महोत्सव आचार्य चरण कह रहे हैं, या आचार्य चरण जिस गहराई की बात नंद महोत्सव की कर रहे हैं, उसके लिए ये मन बुद्धि चित्त आत्मा का समर्पण होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज अपने यहां जागरण के दिन ये पद को गाया जाता है कि ये जागने का समय है, किसको, हमारी चेतना को। ये चेतना के जागने के समय के दर्शन को जागरण का समय बोला गया, जागरण का दर्शन बोला गया। विष्णु प्रभु के जन्म का समय हो रहा है, सो अधिक समय न लेते हुए वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। जय श्री कृष्ण। ऋणैन चरणन केरो भरोसो, ऋणैन चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जुग माई अंधेरो, साधन और नहीं या कली में जासो हो यनी वे, सूर का कहे द्विविध यादरो बिना मोल पोचेरो, दृढ़ैन चरणन दृढ़ैन चरणन दृढ़ैन चरणन के। श्रीनाथ जी प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महाराणी की जय, आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, सर्वे विष्णु ने जय, श्री कृष्ण। विष्णु एक बार पुनः मैं आप सब भगवतियों का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज के महामहोत्सव के दिन आपने मुझे सौभाग्य दिया प्रभु की लीला चिंतन का, और सबसे ज़्यादा मैं कृतज्ञ हूँ मेरे नंदन भैया का कि जिन्होंने इतने बड़े उत्सव के दिन भी
इतना वो बिजी रहते हैं, ये उनके लिए बहुत टाइट शेड्यूल का समय है, फिर भी उसमें भी उन्होंने मेरे को ये सेवा का सौभाग्य दिया। इसके बदले मैं नंदन भैया का सच में बहुत बहुत आभारी हूँ। और बस ठाकुर जी इस दास को निरंतर भगवत नाम, भगवत चिंतन और भगवत सेवा में रखें, यही मैं नंद महोत्सव की बधाई ठाकुर जी और आप सबसे मांग रहा हूँ। इतना कहते हुए वाणी को विश्राम देते हुए जय श्री कृष्ण।